कोरोना के मरीजों के लिए तेजस्वी की नई पहल, सरकारी आवास कोविड केयर सेंटर में किया गया तब्दील। सेंटर में मरीजों को मिलेगा मुफ्त में इलाज और खाना। सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बनाकर निशाने पर आए तेजस्वी। जेडीयू ने तेजस्वी की पहल को बताया नौटंकी। मांझी ने भी कसा तंग। पटना के निजी अस्पताल में 3 कर्मचारियों पर लगा कोरोना संक्रमित महिला के साथ गैंगरेप का आरोप। 15 मई को आईसीयू में एडमिट हुई थी महिला। समस्तीपुर में कोरोना काल में कोर्ट कचहरी का काम ठप। अधिवक्ताओं के सामने आई आर्थिक तंगी की समस्या। अधिवक्ताओं का अनुदान और ऋण दिए जाने की मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सेवा या नौटंकी, आज के दिन सवाल यही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में बेशक तब्दील कर दिया हो, लेकिन उस पर सियासत तब जा रही है। सत्ता पक्ष का यह कहना कि आखिर चिकित्सक कहां से लाएंगे, लेकिन विपक्ष का यह कहना कि ये तो हमारी सेवा भावना है, इसमें भी क्या आपको तकलीफ है। लेकिन सवाल यह कि राज्य में भी लगभग वेंटिलेटर भारी संख्या में पड़े हुए, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं, और इस कोरोना काल में अगर इस तरह की सियासत होती है तो यह काफी निंदनीय है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। कोरोना मरीजों के लिए तेजस्वी की पहल, सरकारी आवास कोविड केयर सेंटर में किया तब्दील। कोविड केयर सेंटर बनाकर निशाने पर आए तेजस्वी। जेडीयू ने बताया नौटंकी, मांझी ने भी कसा तंज। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना के मरीजों की मदद के लिए बड़ी पहल की है। राजधानी पटना के एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में उन्होंने कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। कोरोना मरीजों को समुचित इलाज मिल सके, इस बाबत उन्होंने फैसला लिया। तेजस्वी आवास में बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों की मुफ्त में इलाज की जाएगी, साथ ही उन्हें खाना भी खिलाया जाएगा। मैं राज्य सरकार से फिर से अपील करता हूं कि जो सरकारी आवास जो हमको आवंटित किया गया है एक पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, क्योंकि मरीज जो है बिहार के, उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम एक नंबर में एक पोलो आवास में जो है हमने किया है, चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकल इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था एक नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक पहल, एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम तो अपने सरकारी आवाज देना चाहते हैं, और ये चला नहीं सकते सेंटर क्योंकि सरकारी बंगलो है, इसलिए सरकार से आग्रह है कि वो टेक ओवर करके इसको चलाने का काम करे, और जो भी मदद हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। जो जरूरत की चीजें हो सरकार हमसे पूछे, बोले कि हमको और क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी के इस कदम के बाद इस पर राजनीति अब शुरू हो गई। एक और कई पार्टियां तेजस्वी के इस कदम की तारीफ कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता इसे नौटंकी बता रहे हैं। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा है लापता गंज के नायक तेजस्वी यादव का ये नया राजनीतिक नाटक। लापता गंज के नायक तेजस्वी यादव का नया राजनीतिक नाटक। सरकारी आवास आपके पिता की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है, जागीर नहीं है। पार्टी का कोविड केयर सेंटर खोलना ये आंखों में धूल झोंकना है, मनसा साफ नहीं। अरे आपके दल के अल्पसंख्यक विधायक ने नवादा जिला प्रशासन पर भरोसा किया, सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन और सिलेंडर सौंपा, और आप अपने सरकारी आवास में बेड लगा रहे हैं। सिर्फ जेडीयू ही नहीं, बल्कि हम पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर तेजस्वी पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, अपने सरकारी आवास को मेडिकल वार्ड में तब्दील करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को धन्यवाद। आग्रह है,
अब राजनीतिक बातचीत को छोड़ आप वहाँ चिकित्सकों की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि चिकित्सक ना मिले तो आप परिवार के पीएमसीएच टॉपरों के सहारे भी जनसेवा शुरू कर सकते हैं। बहरहाल कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच मंगलवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार उन्हें और राज्य के सभी विधायकों को ये अनुमति देगी वे राज्य के किसी अस्पताल पीएचसी कोविड केयर सेंटर आदि के अंदर जाकर मरीजों और उनके परिजनों से मिल सकें। और तेजस्वी ने पत्र में जल्द जवाब देने की बात भी कही थी। अब देखना होगा कि तेजस्वी के इस कदम के बाद सीएम पत्र का जवाब देते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। लेकिन ये सेवा या फिर नौटंकी आज के दिन चर्चा में हम इसी पर आज के दिन सवाल जवाब करेंगे। अंजुमारा जेडीयू से, चितरंजन गगन आरजेडी से आज के दिन लाइव इस डिबेट में हमारे साथ बैठे हुए हैं। स्वागत है अंजुम जी आपका, चितरंजन जी आपका वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले अंजुम जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, जिस तरह से हालात हैं कोरोना को लेकर पूरे बिहार में मौत के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी भी समस्याएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, ना तो कोरोना खत्म हुआ है, लेकिन ऐसे में अगर कोई सेवा करना चाहता है, अगर कोई मदद कर रहा है, कोई कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तो फिर इसमें आपत्ति क्या है अंजुम जी? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं, पेंडेमिक का दौर है, सब जान रही आपदा का दौर है और सब मदद कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन जो होनी चाहिए वो मदद की होनी चाहिए जी। इंटेंशन मदद की होनी चाहिए। आपके इस पे आने, डिबेट पे आने से पहले मुझे इस बात की जानकारी, क्योंकि मैं पटना में नहीं, पटना से बाहर रिमोट एरिया में भी मैं हूँ, और जब मैंने देखा सोशल मीडिया पे तो मैंने सारी चीजों को देखा। देखिए निश्चित रूप से हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि जब जब बिहार में आपदा आया है, चाहे वो चमकी रही हो, चाहे वो बाढ़ का दौर रहा, बाढ़ आपदा रही हो, या फिर कोरोना का जो लास्ट फेज हमारा था, ये सेकेंड फेज अभी हमारा है, तब हम लोगों ने देखा है नेता प्रतिपक्ष हमेशा वो यहाँ से बिहार से वो नदारद रहे हैं, और वो हमेशा वो गद्दी में अपने फार्म हाउस में या जहाँ भी वो रहे ये उनका इश्यू, लेकिन वो बिहार में नहीं मौजूद रहे हैं। आज जो हम लोगों ने, मैंने सोशल मीडिया पे जो सीन देखा, तो निश्चित रूप से देख करके एक ही चीज मेरे मन में जो आया, तो हटा दीजिए मैं जेडीयू के प्रवक्ता और उस ऐसे बींगा, मतलब बिहार के होने के नाते और बींगा इंसान, एक ही चीज मेरे मन में आया, और जो मैं जानती हूँ कि जो उन्होंने अपने आवास को कुछ बेड लगा दिया, कुछ मेडिसिन टेबल पे रख दिया और कहा कि मैं सेवा के लिए, मैं ये इसको सेवा के रूप में मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि देखिए है क्या, वो भी जान रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष है, उनके सारे प्रोविजंस पता है कि हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या जो भी हो, उसके कुछ अपने प्रोविजंस होते हैं। आप अगर मैं चाहूं अपने घर को अभी 10 बेड लगाकर मैं कहूं कि ये हॉस्पिटल अस्पताल हो गया, तो मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा ये कहना, क्योंकि अगर मान लीजिए हॉस्पिटल है, वहां पे पेशेंट आते हैं, कैजुअलिटी होगी, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो मुझे कुल मिला के यही लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जो सिर्फ अपनी जो एक राजनीति, वो मतलब इस माध्यम से वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। मैं इन सारी चीजों को सेवा भाव के तौर पर तो निश्चित रूप से मैं नहीं ले रही हूँ। नहीं देखिए अंजुम जी, वो कोई कोरोना का अस्पताल वो नहीं है, वो कोविड केयर सेंटर है जहां पर कोरोना के मरीजों की केयर की जाएगी। कई गुरुद्वारे में भी आपने देखा, कई जगहों पर लोग इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं, तो ठीक इसी तरह ये भी है। बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना कि देखिए ऐसा जो पैंडेमिक दौर होता है, वो निश्चित रूप से एक आम आदमी भी आगे बढ़ करके वो मदद करता है। हम लोग भी फर्स्ट फेज में जो थे, हम लोगों ने रोड पे जाते थे, लोगों की मदद करते थे, वो अच्छी चीज है, होनी चाहिए, क्योंकि मिलजुल करके, क्योंकि स्पष्ट हम लोग का मानना है कि मिल करके ही इस आपदा से हम बाहर निकल पाएंगे। एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी करके हम नहीं निकल सकते, मिल करके इस दौर। ठीक है, चलिए लौट कर आएंगे अंजुम जी आपके पास, चितरंजन गगन भी बने हुए। चितरंजन जी, लोग कह रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है, आम जनता भी ये कह रही है कि तेजस्वी यादव पहले तो लापता रहते हैं सर, जब पैंडेमिक का दौर काफी पिक पर रहता है, जब कोरोना के मामले बहुत अधिक आते हैं, जब हालात थोड़े नियंत्रण में आए तो तेजस्वी जी लगे अपनी सियासत चमकाने और इस तरह से कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ कर दिया, जिसकी अभी भी आने वाले समय में हकीकत क्या होगी पता नहीं। चितरंजन जी, सागर जी, पहली बात यह है कि लगभग 16 साल से बिहार में, कुछ समय को छोड़ दीजिए तो एनडीए की सरकार बिहार में है, भाजपा और जनता दल, और 16 साल पहले जिस ढंग से लालू जी और लालू जी का परिवार इनके निशाने पर था, चूंकि सरकार उनकी थी, आरजेडी की सरकार थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे और राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, ठीक था। लेकिन 16 साल से जब से इनकी सरकार बनी है, अब तक ये जो है सो लालू जी और तेजस्वी जी से बाहर
निकल ही नहीं पाए, केवल वहीं पर केंद्रित है। अगर अगर जो है सो अगर लालू तेजस्वी परिवार से बाहर निकले हुए रहते तो आज बिहार की यह दुर्दशा नहीं रहती। आज बिहार में जो आप स्थिति देख रहे हैं, अब यह कह रहे हैं कि यहाँ साहब तेजस्वी, अगर ये आवाज सुन रहे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यह कह रहे हैं कि तेजस्वी जी नहीं है, इनके नेता बोल रहे हैं तेजस्वी को खोज रहे हैं। भाई तेजस्वी जी तो आपके सामने मौजूद हैं, आप कहां उपयोगिता उनकी आप समझ रहे हैं? आप बताइए, तेजस्वी तो एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं कि हमको बताइए क्या करना है, तो आप कुछ कह नहीं रहे हैं। आप अपने कर नहीं रहे, दूसरे को करने नहीं दीजिएगा। आपकी स्थिति यह है कि जो सो लोग बिहार में जितने लोग भी जो मरे हैं, यह केवल जो है सो अधिकांश इसमें सही प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण और ऑक्सीजन के अभाव में। तो आप कहना है कि ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, और दूसरा आदमी जब आपको मदद करने के लिए आगे आ रहा है तो आप करें कि राजनीति। अब इनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर विपक्ष को क्या करना था, इसे बता दे। विपक्ष चुप रहे, इनकी कमजोरी हो या कहीं कमी हो, जो वास्तविक स्थिति हो वह नहीं बता दे, चुपचाप जैसे ये लोग वंदना करते हैं नीतीश कुमार का। वह दिखाया गया ना, अभी देखे हैं, मीडिया पर चल रहा है किस ढंग से वो जो भोजनालय का निरीक्षण किए, वर्चुअल निरीक्षण किए मुख्यमंत्री, और पहले वहां पर बताया गया कि ऐसे बोलना है, तो वही वर्चुअल सब चीज फर्जी चलता है। अब फर्जी केवल वही वंदना करना, अगर ये लोग समझते हैं कि विपक्ष भी इन्हीं लोगों की तरह वंदना करे, बिहार की जनता मरती रहे, ना हॉस्पिटल में उसको जगह मिले, ना श्मशान में जगह मिले, और जो है सो विपक्ष चुपचाप सोई रहे, बैठी रहे, वही विपक्ष की ड्यूटी है। ठीक है चित्रंजन जी, लौट कर आऊंगा। अंजुम जी, क्या ये भी राजनीति हो रही है जो आंकड़े हैं, जो आज के दिन मंगल पांडे ने कह दिया? 36 ऐसे जिले हैं बिहार के जहां पर 207 वेंटिलेटर मैम धूल फांक रहे हैं, उससे लोगों का इलाज हो सकता था सर, मैम कई लोगों की जानें बच सकती थी, लेकिन 2 मई को आदेश ही जारी किया जाता है कि नहीं इसको जल्दी से अब काम में लाया जाए। मात्र 2 दर्जन ही वेंटिलेटर अभी तक इंस्टॉल किए गए, लेकिन अभी भी उसका कोई माई बाप नहीं है। अंजुम जी, देखिए एक चीज, इस चीज से कभी हम लोग डिनाई नहीं कर रहे हैं कि बीच का जो पिक जो हमारा आवर था, और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पूरा का पूरा मतलब सभी लोग सत्ते में थे, वो दौर, उस फेज को हम लोग कभी नहीं डिनाई कर सकते कि 2-3 दिन दिक्कतें हुई थी, चाहे वो ऑक्सीजन की दिक्कत हो या फिर जो मेडिसिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थे उसके कालाबाजारी को लेकर की चीजें अव्यवस्थित हुई थी, उससे हम लोग डिनाई भी नहीं करते। लेकिन हमारी सरकार ने बहुत तेजी से सारी चीजों पर नियंत्रण करना शुरू किया। आज हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता हर हॉस्पिटल में है, आज रेमडेसिविर हर अस्पताल को मौजूद है। जिस तरह से कोरोना के ग्राफ बढ़े थे, सरकार की तत्परता और संवेदनशीलता का ही ये परिणाम है कि आज हम देख रहे हैं कि वो 5% से भी कम हुआ संक्रमण का जो ग्राफ है वो नीचे हमारा गया। अंजुम जी, सवाल ये नहीं है कि आप अब इस समय व्यवस्था क्या कर रही है, जो मैंने सवाल किया उस पर जवाब दीजिए मैम। लोगों की सांसें अटकती गई और मैम सरकार सोती रही, ये हम सवाल पूछ रहे हैं अंजुम जी। अगर सरकार सोती रहती ना, सरकार अगर सोई रहती, जो आप कह रहे कि देखिए, ये तो पहली बात की आप जो कह रहे थे सरकार सो रही थी, ये मुनासिब नहीं होगा कहना, क्योंकि आपने देखा कि जो 15-20 दिन में सरकार की संवेदनशीलता को भी हम लोगों ने देखा, सरकार की हम लोग ने तत्परता को भी देखा, क्योंकि स्थितियां जो थी वो वाकई में नियंत्रण के बाहर वो हो गई थी। लेकिन हम लोगों ने देखा कि सरकार की संवेदनशीलता के कारण आज जितनी भी परिस्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, तो ये कहना कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा कि सरकार सो रही थी। अगर सरकार सो रही होती तो आज परिस्थितियां अंडर कंट्रोल नहीं बल्कि और विकराल रूप ले चुकी होती। मैम इसीलिए तो जनता ने जिम्मेदारी दी, अब क्या अपनी जिम्मेदारी भी सरकार नहीं निभाएगी क्या? नहीं, हम तो कमियों पर ही बात करेंगे ना अंजुम जी, जहाँ पर कमियां उसको भी बेहतर किया जाए। बिल्कुल कमियों पे बात करेंगे, लेकिन ये कह देना, ये तो आरोप हो रहा होगा ना कि सरकार सो रही थी। नहीं तो जहाँ कमियां यही बोलेंगे वहां पर सोती रही सरकार। अगर लोग ऑक्सीजन की वजह से मरे, अगर अभी भी 100 से ऊपर मौतें हो रही हैं अंजुम जी, अगर अभी भी लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, लोग ठेले पर ले जा रहे हैं शव को, तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी सरकार सो रही है, जब तक पूरी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो जाती। चित्रंजन गगन बताइए, व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, रेमडेसिविर हर हॉस्पिटल में मिल रहे हैं। देखिए इसी भ्रम में बिहार की स्थिति हुई है, पहला लहर आया कम हुआ,
उसके बाद सब लोग लगे गुणगान करने, आत्म प्रशंसा में लीन हो गए, वहां प्रधानमंत्री जी का करिश्मा और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का करिश्मा। और जब दूसरा लहर आया तो पता चला कि यहाँ साहब जो कुछ भी जो दावा कर रहे थे सब केवल खोखला, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। पीएम केयर फंड में पैसा आया, बिहार में मुख्यमंत्री जी सहायता के नाम पर विधायकों से पैसा लिए और लोग भी डोनेट किया, लेकिन कहीं कोई जो स्थिति 2020 में थी उससे भी बदतर स्थिति 2021 में हुई। अभी कह रही है जनता दल यू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहुत सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ है? आप जो सो आंकड़ा जो है वह उसमें हेरा फेरी कर रही है, आंकड़ा छुपा रही है। दूसरी बात, मृत्यु दर में कहां कमी हो रहा है? लोग मर रहे हैं, नहीं लोग मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर मानी चाहिए कल दरभंगा में चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, क्या बात कीजिएगा? मुख्यमंत्री के जिला में छेड़ा पर ढोया जा रहा है, पेशेंट को कहीं मुंह दिखाने के काबिल आप लोग नहीं है, केवल लालू होते हैं। नहीं विपक्ष गाली देने से बिहार के जनता का कल्याण नहीं हो रहा है क्या? अगर लालू जी को राज छोड़े हुए हो गया 16 साल में क्या कर रहे हैं? नहीं किस स्थिति में आप हैं? हॉस्पिटल डीएमसीएच का स्थिति देखिए, ईटा झर रहा है, बैठने के लिए बेड नहीं है, नालंदा मेडिकल कॉलेज में छेवना भर पानी घुसा रहता है बरसात के दिनों में। आप क्या सुधार किए? 50% से ज्यादा 57% डॉक्टर का पद रिक्त है। अब क्या किए? स्वास्थ्य कर्मी का रिक्त है, वेंटिलेटर आया, चलाने वाला टेक्नीशियन आपके पास में नहीं है, तो आप कर क्या रहे हैं? केवल लालू डाबरी और तेजस्वी का माला जपने से काम नहीं चलने वाला है। यह माला जपते जपते आप लोगों ने बिहार को इस गर्त में पहुंचा दिया कि आज गांव में देखिए दर्जनों गांव में गांव के गांव लोग पड़े हुए हैं, पटा हुए हैं। कोई आंकड़ा आपके पास में नहीं है, सही आंकड़ा नहीं है। देखिए अंजुम जी, ठीक है चित्रंजन जी, चित्रंजन जी आप भी का सवाल पूछ लेता हूँ। चित्रंजन जी शांत रहिएगा। अंजुम जी मौजूदा समय में जो हालात है, अंजुम जी और इनका विभाग कुछ आगे पेश करता अंजुम जी सुनिए, आप छोड़िए अंजुम जी, अगर ग्राउंड की हकीकत से अगर सरकार और आप लोग अगर रूबरू होते तो शायद आप लोग भी कहते कि हाँ कमियां यहाँ यहाँ पर हैं, हम सुधार करेंगे। गया में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको मदद नहीं मिल पा रही है अंतिम संस्कार के लिए, लोग इधर उधर चक्कर काट रहे। मैम वीडियो से आप कह रहे हैं कि नहीं हमें तो पता ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा मदद मांगने के लिए। जहां पर लोगों को मदद नहीं पहुंच पा रही है, जहां पर एम्बुलेंस नहीं है, आपने राजीव प्रताप रूडी को देख लिया कल के दिन आकर कैमरे के सामने वो सफाई दे रहे हैं, और वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है, एम्बुलेंस चलाने वाला कोई नहीं है, तो मैम आखिर चलाएगा कौन? व्यवस्था कौन करेगा? मैम विपक्ष करेगा या फिर हम लोग करेंगे या आम जनता करेगी? नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी जवाबदेही और हम अपनी जवाबदेहियों का बखूबी निर्वहन भी कर रहे हैं। यही कारण है कि आज जो 15-20 दिन पहले जो बिहार में स्थिति थी, दो परिस्थिति हम लोगों ने नियंत्रण में किया है काफी हद तक, और आगे जाकर अवसर में नहीं तब्दील करने देगी। चित्रंजन जी कहां आप है? आप बात कर रहे हैं बिहार के वर्तमान स्थिति की, 2005 के पहले कितने अस्पताल थे बिहार में? मात्र 7 हॉस्पिटल थे, आज इसी बिहार में 22 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है इस बिहार में। 2005 के पहले मैं आपको याद दिला दूं सिर्फ 7 हॉस्पिटल थे, लेकिन आज इसी बिहार में जो कह रहे हैं क्या किया है आपने? यही मैम 16 साल अंजुम जी एक लंबा दौर होता है, अगर 16 साल में भी अगर आप काम नहीं करेंगी तो फिर जनता विश्वास कैसे करती? जनता फिर से सत्ता की बागडोर आपके हाथों में क्यों देती है अंजुम जी? तो हमने सुधार किया ना, यही कारण है ना, जनता ने फिर विश्वास किया, फिर विश्वास किया हमारे जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया उसको पूरा किया, और जनता ने पूरा विश्वास किया नीतीश कुमार जी के और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को। विपक्ष के बोलने से क्या होता है? आप देख लीजिए ना 2005 के पहले का बिहार क्या बिहार था, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई स्कूल नहीं, अपराध। ठीक है चित्रंजन जी, आज के दिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपके बोलने की पात्रता है क्या? आप लोगों के बोलने की पात्रता है? आप लोग क्या पात्र बोलने के लिए किसी भी एंगल से आप लोग बोलने? चित्रंजन जी ये आज के दिन जो बेड लगवा के सर, जो फोटो खिंचवा के सर, इस समय वायरल हो रही है तस्वीरें की, एक बड़ा काम कर दिया आरजेडी ने।
सर, एक केवल जो बेड है वो खाली सूने ही पड़े रहेंगे या फिर डॉक्टर की भी व्यवस्था होगी और भी सारी चिकित्सक सुविधाएं वहां पर कब तक मिलेंगी लोगों को, ये भी आज के दिन बताइए पूरे बिहार को। सागर जी, वह केवल आज की बात नहीं है, हमारे जो विधायक हैं, हमारे पार्टी के जो वर्कर हैं, पूरे बिहार में हर जगह लगे हुए हैं, ये लोग बंद करवा रहे हैं। बैकुंठपुर में जो हम वहाँ के विधायक द्वारा, जो प्रेम शंकर यादव द्वारा खोला गया सामुदायिक भोजनालय, प्रशासन जाकर उसको बंद करवा दी। तो पूरे बिहार में हमारे लोग लगे हुए हैं और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का जो सरकारी आवास है उसमें पर्याप्त से बेड लगा दिया गया, दवा है, ऑक्सीजन उपलब्ध है। अब डॉक्टर और जो स्वास्थ्य कर्मी है उसकी व्यवस्था ही करें, और जो सो जो फोटो खिंचवा सेंटर जो बना रहे हैं, जहां विद्यालय में बना रहे हैं, जहां पॉलिसी अदायगी कर रहा है, में बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का यही दायित्व है, यही संवैधानिक कर्तव्य के 10 गो बिछावन लगा दिए और एक टेबल पर दवा रखकर फोटो खिंचवा करके वायरल करवा। नेता प्रतिपक्ष की यही यही कर्तव्य है। एक अन्य मार्ग से बाहर कभी निकले नहीं मुख्यमंत्री, और आप लोग कभी निकले नहीं। कहाँ गए आपके विधायक, कहाँ गए आपके सांसद, बुद्धि विवेक कहाँ गए आप देख पाएंगे तब ना। आपने जब आंखों को बंद कर दिया है, कोई क्या कर सकता है, तो क्या कर सकते हैं जब आपने आंखों को बंद कर दिया। वैक्सीन बिहार में जो लग रहा था बंद हो गया, सर मानी चाहिए। आधा दर्जन से ऊपर मंत्री है भारत सरकार में, सर माननी चाहिए। टीकाकरण बंद हो गया, बोलने की मांगने की हिम्मत नहीं है, मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री से बोलने के लिए। बताइए अंजू महाराज जी, लालू जी और तेजस्वी जी, जिस समय हालात अभी है, जो आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति चल रही है, अंजुम जी देखिए, एक सीधा सा सवाल मेरा है, जब विपक्ष कोई काम नहीं करता तब आप लोग कहती हैं कि विपक्ष देखिए कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहा है। अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि आइए हमने अपने सरकारी आवास में खोल दिया है, हम 100 मरीजों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, हमने बेड लगा दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन भी मिलेगा, हम ये सरकार को देना चाहते हैं, सरकार इसको चलाए, तो क्या मैम सरकार का यहाँ पर छोटापन हो जाएगा क्या, या फिर ईगो हट हो जाएगा सरकार का, अगर सरकार अगर वाकई में कदम से कदम मिलाकर चलने लगेगी तो? नहीं, देखिए एक चीज जान लीजिए कि निश्चित रूप से हम लोग भी इस चीज को कहते हैं हमेशा, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि ये जो दौर है या आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं, मिल करके ये जो एक पैंडेमिक है इससे हम लोग को बाहर निकलना है, अपने आवाम को बाहर निकालना है, ये इस चीज को मैं हमेशा कहती रही। और जो चीजें अच्छी चीजें आ रही है उसको सबको वेलकम करना चाहिए। से पूछिए कि क्या हम भी इनके समान कीर्तन गावे, जनता मरती रहे और हम जो है सो बैठकर बंसी बजाते रहे, पूछिए इनसे। बताइए अंजुम जी, बोलिए। आप तो बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए बैठ के बांसुरी नहीं, झाल मंजीरा तंबूरा सब बजा रहे हैं आप बैठ करके, सब आपकी आपकी जनता देख ही रही है। आपके आपके प्रयासों का आपके कारण आज चीजें अंडर कंट्रोल नहीं हुई है। आपकी सरकार का सरकार की भी जवाबदेही है, हमारी जवाबदेही है। आपके कारण आप जो है सो हॉस्पिटल में आपका जगह नहीं है, बेड नहीं है, प्राइवेट में जो है सो देख रहे हैं क्या स्थिति है। तो जब आपको बेड मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, दवा मिल रहा है, तब आप इसमें इसमें राजनीति क्या है, इसमें कौन सी राजनीति है, सो बता दीजिए। मुआयना कर रही है आप अभी जाकर के, मैं आपसे एक निवेदन करूंगी, करवट निवेदन करूंगी कि अभी वर्तमान में जाकर के जो भी अस्पताल है जाकर के आप एक बार मुआयना कर लीजिए। 20 दिन पहले वाले दौर से निकलिए, हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि 20 दिन के पहले का जो दौर था ना वो वाकई में वो भयावह दौर था, लेकिन उस चीज से बिहार बाहर निकल चुका है। मैम इतनी वाहवाही क्यों लूट रही है अंजू महाराज जी? अंजू महाराज जी, इतनी वाहवाही लूटने वाली कोई बात अभी नहीं है। 111 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई है, रिकवरी रेट में भी कोई खास ग्रोथ नहीं है, जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है अंजू जी। सरकार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वाहवाही लूटने वाली जब बात यहाँ पे नहीं, अभी मौत के आंकड़े कम नहीं है ना, तो रिकवरी रेट में बहुत अधिक ग्रोथ है, और फिर भी सरकार का बार बार कैमरे के सामने आकर, मंत्रियों का आकर ये कहना, प्रवक्ताओं का आकर ये कहना कि हमने तो बहुत बेहतर काम कर दिया, अभी भी आंकड़े हालात कंट्रोल में नहीं है। जब हाई कोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रहा और हाई कोर्ट ने इनके आंकड़े पर सवाल उठाने का काम किया, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट ने इनके आंकड़े पर सवाल उठाया है, और आप देख लीजिए जो स्थितियां है बिहार में, गांव में और जो सुदूर एरिया में जो स्थिति है,
कोई उसका रिपोर्टिंग नहीं है, कोई उसका आंकड़ा नहीं है इन लोगों के पास में। अंजुमारा जी सुन पा रही हैं? चलिए चित्रंजन जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, जो आज के दिन शुरुआत की है, चलिए सराहना भी हम करते हैं क्योंकि सियासत करना हमारा काम नहीं, हम तो बस यही चाहते हैं कि जल्द ही जल्द बिहार और ये पूरा देश इस कोरोना के दौर से मुक्त हो। जो भी लोग मदद कर रहे हैं हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन सर सुविधाएं लोगों को कब तक मिलेंगी और क्या मदद की जा रही है आरजेडी के लोगों की तरफ से और क्या विशेष पहल की जाएगी बताइए। हर तरह से जो हमारी क्षमता है पार्टी की उसमें कहीं कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और बिहार के लोगों के लिए जो भी हमारा सामर्थ्य है, हमारा दायरा है, उसमें जो भी संभव होगा हम करेंगे। और आज भी सरकार से कह रहे हैं, सरकार जो भी हमसे मदद की अपेक्षा करती है, हमसे मदद चाहती है, हम तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चित्रंजन जी आपका, अंजुमारा आपका। जिस तरह से हालात इस समय बिहार में है, पिछले 24 घंटों में 111 मौतें, 6,000 से अधिक मामले और तो और रिकवरी रेट में भी कोई खास ग्रोथ नहीं है, जिसकी वाहवाही लूटने में सरकार लगी है, मंत्री महोदय लगे हैं, क्योंकि 36 ऐसे जिले हैं बिहार के जहां पर 207 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं, उस पर से कवर भी नहीं हटाया गया। 2 मई को आदेश ही जारी किया गया कि जाइए इन अस्पतालों में आप इंस्टॉल करिए, लेकिन मात्र 2 दर्जन ही वेंटिलेटर अभी तक इंस्टॉल हो पाए। तेजस्वी यादव अगर कोविड केयर सेंटर का अगर शुभारंभ करते हैं तो यहां पर सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि विपक्ष यहां पर वाहवाही लूटने में लगा है, नौटंकी कर रहा है। सियासत से परे होकर पार्टियां न जाने कब सोचेंगी और कब हमारी भोली भाली जनता की जान बचाई जाएगी, देखने वाली बात। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।